अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अरसलान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किसी भी डेयरी फार्म का रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपने डेयरी फार्म का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और बाज़ात वो उनका ब्रीडिंग मिसमैनेज हो जाता है, और इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक्सेल फाइल में आप किस तरह अपना डेयरी फार्म का रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, और इसको आप अपने लैपटॉप में या इवन के मोबाइल में भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि डेयरी फार्म का रिकॉर्ड होता क्या क्या है। और इसमें रिकॉर्डिंग में हो जाता है, सबसे पहले ब्रीडिंग रिकॉर्ड होता है, मिल्किंग रिकॉर्ड में होता है, डेली एक्सपेंस रिकॉर्ड मतलब फार्म पर जो होने वाले अखराजात हैं उनका हिसाब रखना होता है, लेबर की सैलरी का हिसाब होता है और उनकी अटेंडेंस का हिसाब होता है, और वेटनरी स्टोर से मोस्टली ये होता है कि जो भी मेडिसिन वगैरह आती है वो उधार आती है तो इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितनी मेडिसिन आ गई है, कितनी पेमेंट हो गई है। तो इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने खुद एक एक्सेल फाइल तैयार की है ताकि इस मुश्किल से बचा जा सके। तो चलते हैं एक्सेल फाइल की तरफ। तो जब आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको ये सारी की सारी फाइल्स आपको इधर से डाउनलोड कर लें। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरह की 4-5 फाइल्स आपके सामने ओपन होंगी। तो सबसे पहले अकाउंट है, अटेंडेंस शीट है, मिल्किंग रिकॉर्ड है, हर्ड स्टेटस एनिमल क्या है, वेटनरी स्टोर का रिकॉर्ड है एट्सेट्रा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हर्ड स्टेटस ऑफ एनिमल रिकॉर्ड का। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ होगा ABC डेयरी फार्म। इधर आपने अपने डेयरी फार्म का जो भी है आपका डेयरी फार्म का नाम वो लिखना है। मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो उसके बाद ब्रीडिंग रिकॉर्ड है, इधर काउ नंबर आपके पास जो भी टैग है इसको आप एडिट कर सकते हैं, C221-22 जितना भी आपका टैग नंबर चल रहा है, इधर आप अपने जानवरों का टैग नंबर लिखेंगे इस कॉलम में। उसके बाद आगे आ गया क्रॉसिंग डेट। इधर मैंने फर्जी 3 एक वैल्यू लिखी हुई है, 10 जुलाई 2021 को सपोज एक गाय हमारी क्रॉस हुई है, 1 जून को हुई है, 1 8 जनवरी आज 8 जनवरी है उधर हुई है, तो क्रॉस बाय। इधर आपने बुल का नाम लिखना है, माई स्पेस है, यूथा है, या जो भी आपका बुल का नाम नेचुरल मेटिंग करवा रहे हैं या फिर AI करवा रहे हैं उस आपने बुल का नाम लिख देना इधर। उसके बाद इधर आगे उसका प्रेगनेंसी टेस्ट आपने 60 दिन बाद 45 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाया या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया उस दिन आपने डेट लिखनी और उसका स्टेटस लिख देना, प्रेगनेंट है या नॉन प्रेगनेंट है। तो ये तो हो गया आपने करना। अब ये हमारे पास जो आप इधर क्रॉसिंग डेट लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा, हर रोज़ ये डेली अपडेट हुआ करेगा ऑटोमेटिक कि हमारी ये जो जानवर है काउ नंबर 3 ये हमारा जो है वो 182 दिन की प्रेग्नेंट है, मतलब 6.07 दिन। अब ये 6.07 है, इसका एक्शन रिकमेंडेड है, अभी ये मिल्किंग में है, इसको हमने मिल्किंग ही करनी है, इसका एक्शन है। जब ये 7 से ऊपर जाएगी, ये जिस तरह नीचे वाली 1 जून 2021 जो हमारी दो नंबर गाय है इसका जो है 1 जून 2021 को इसको क्रॉस करवाया था, इसको हो गए हैं 221 दिन यानी 7.37 महीने, तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन चला जाएगा ड्राइट। सपोज अगर मैं इसको चेंज करके आपके सामने ही लिख देता हूँ, इधर 5 कर देता हूँ तो ये 8 महीने पर चला गया। अच्छा, फिर मैं 8 कर देता हूँ, अभी हुए हैं 5 महीने, तो अभी एक्शन रिकमेंडेड चेंज ऑटोमेटिकली हो गया कि अभी ये मिल्किंग कंडीशन में है। तो अगर मैं इसको दोबारा उसी जगह पे दोबारा कर देता हूँ, ये अगस्त हो गया, यकम अगस्त हो गया, 6 महीने, ये 7 महीने 7.37, ये अब 7 माह से ऊपर चली गई है तो इसको हमने ड्राई कर देना है, यानी इसका दूध लेना हमने बंद कर देना है। उसके बाद आपने देखा कि जब मैंने ये डेट चेंज कर रहा था ये ऑटोमेटिकली आ गई, ये चेंज हो रही थी। ये चेंज होने का मकसद ये है कि जब आपका जानवर जिस डेट को क्रॉस करवाया है
वो कब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, वो बच्चा किस डेट को देगा, हमारे हमारे पास बच्चा किस दिन आएगा, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली हो गया। अब ये जो था अब हमारे पास आएगा, अब इन दिनों के राउंड अबाउट अब हमारा जानवर नियर टू बच्चा देने के करीब पहुंच गया, नियर टू पार्चुरेशन हो गया, तो इधर उसने काविंग कर दी है, इधर हम काविंग डेट लिखेंगे, 1-2 दिन का डिफरेंस आएगा, वो इतना तो आ जाता है, तो इधर हम काविंग डेट लिखेंगे, उसने किस दिन बच्चा दिया, बच्चा कौन सा था, मेल था फीमेल था, और उसको काफ आईडी हमने क्या दी। एक मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने फार्म पे काफ को नंबर देना है, और उसके अलावा उसका सायर, उसके वालद मतलब कि जिससे क्रॉस करवाया था उसका टैग आ जाएगा, सायर माई स्पेस है या जो भी है आपने बुल यूज़ किया था। अब 40-45 दिन बाद दूसरी दोबारा आपकी ये गाय हीट में आती है, तो आपने इधर से इसको शुरू करना है या नई शीट बना लेनी है साल की या डेढ़ जितना भी आपका है, तो इसको ये आपने शीट को कॉपी करके नया बना लेना है। तो ये था हमारा मिल्किंग मतलब कि ब्रीडिंग रिकॉर्ड, इस तरह हम ब्रीडिंग रिकॉर्ड को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो दूसरी फाइल हम ओपन करते हैं इस तरह, इसमें दूसरी अटेंडेंस शीट को अभी ओपन हो रही है, अटेंडेंस शीट भी सेम इसी तरह होगी, ABC डेयरी फार्म, इधर आपने अपने डेयरी फार्म का नाम लिखना है, और इसके बाद आपने इधर जो भी आपके पास फार्म पे डॉक्टर काम कर रहा है या फिर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनका लिखना है। ये फैब्रिक की है शीट, मेरा ख्याल है आप इधर उसका सारा डाटा पुट करेंगे, प्रेजेंट जिस दिन प्रेजेंट हुआ प्रेजेंट हो जाएगा, लीव हुआ तो लीव, ये ऑटोमेटिकली इधर इंसर्ट होता जाएगा कि जब सपोज इधर मैं इसकी प्रेजेंट और लगाता जाता हूँ तो आप देखेंगे चेंज हो रहा है, अगर मैं इसको एब्सेंट करता हूँ तो एब्सेंट काउंट हो रही है, एक एब्सेंट होगी, 4 लीव्स हो गई, एक लीव और मैं लगा देता हूँ इसको तो लीव्स बढ़ रही हैं, इस तरह टोटल वर्किंग डेज उसके ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी लेबर के जो अटेंडेंस है उसको काउंट कर सकते हैं, डेली वेजेस पे आपने जो लेबर रखी हुई है या जो परमानेंट रखी हुई है, किस दिन किसका कौन आया है कौन नहीं आया, तो आप उसका इस तरह रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इस तरह अगली वीडियो में मैं आपको और भी वीडियो में बताऊंगा कि आपने किस तरह और रखनी है। तो तीसरा हम इसमें शीट ऐड कर लेते हैं वेटरनरी स्टोर की, वेटरनरी स्टोर का में आपने किस तरह उसको मैनेज करना है, वेटरनरी स्टोर का, वेटरनरी स्टोर की मेडिसिन आपके पास, इधर तो मैंने कुछ भी नहीं अभी लिखा हुआ, सपोज वेटरनरी स्टोर में आपने जमा करवा दिया है, बैलेंस आपका है 10,000 रुपया आपके वेटरनरी स्टोर पे जमा है, तो आपका बैलेंस ये शो हो रहा होगा कि 10,000 रुपये आपने जमा करवाए हुए हैं, आपका बैलेंस अभी 10,000 है। अभी डेट हुई है आज की, डेट ही मैं लिख देता हूँ इधर, 8 जनवरी 2021 को मेडिसन आई है मेरी, बिल नंबर मेडिसन का 1, 2, 3, 4 नंबर ये था, कितने की बिल आई है हमारी, मेडिसन आई है हमारी आई है जनाब 5,000 की मेडिसन आई है, 5,000 की मेडिसन आई है, तो हमारा बकाया बिल रह जाएगा 5,000, बैलेंस हमारा रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो 5,000 हो जाएगा। इधर रिसीव लोन की जगह हम कर देते हैं पेमेंट, और इधर मेडिसन एक्सपेंस में या मेडिसन प्राइस, तो इसके बाद मेडिसिन प्राइस हमारी जो बनी है वो 5,000 की बनी है, और फिर एक दूसरा बिल हमने लिया, बिल नंबर हमने ऐड कर दिया 1, 2, 3, 4, 5 है ये ऐड कर दिया हमने, तो ये हमारा 2,000 का बिल था, तो अब हमारा बकाया 3,000 बच गया है स्पो, और एक हमारा बिल आगे और आ गया 5,000 का, तो हमारा ये माइनस में चला गया। तो अब हमने उसको मतलब के पेमेंट करनी है, पेमेंट इधर आपने लिखनी है, पीछे आपने डेट डाल देनी है, आज की डेट मैं आज की ही कर रहा हूँ, तो इधर आपने पेमेंट जब लिखेंगे
सपोज हमने इसको अब 20,000 रुपये और जमा करवा दिए, जितना भी, तो हमारा उसके पास बकाया अब 18,000 रुपया हमारा मेडिकल स्टोर के पास पड़ा है। तो इस तरह आप इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको मतलब कि मेडिसिन रिकॉर्ड को आप मैनेज कर सकते हैं अपने डेयरी फार्म पे। ये हो गई, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम वीडियो पार्ट टू में आपको बताऊँगा कि आपने डेली मिल्किंग रिकॉर्ड किस तरह रखनी है और डेयरी का अकाउंट किस तरह आपने मैनेज करना है। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएँ। शुक्रिया।